इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वो है कार्बन में आबंधन और उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति, बॉन्डिंग इन कार्बन एंड इट्स वर्सेटैलिटी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, जिसका अर्थ है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा? लेकिन दोस्तों, हम कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम कार्बन में आबंधनों के प्रकार को समझ सकें। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना होता है या उनका ह्रास करना होता है। लेकिन क्या ये संभव है? चूंकि कार्बन एक छोटा परमाणु है, इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के नाभिक द्वारा प्रबल आकर्षण द्वारा पकड़कर रखा जाता है। इसलिए कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉनों का ह्रास संभव नहीं है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना भी संभव नहीं है। कल्पना कीजिए, यदि कार्बन को इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या इलेक्ट्रॉनों का ह्रास करना हो तो 1. ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। 2. ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जो वह इलेक्ट्रॉनों को साझा करके प्राप्त करता है। चूंकि एक कार्बन परमाणु को उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी संयोजकता वैलेंसी 4 होगी, अर्थात कार्बन चतुः संयोजक टेट्रावैलेंट है। कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा के कोष को भरने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करता है, जिसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं।
सहसंयोजी आबंध कोवैलेंट बॉन्ड वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। आइए अब हम कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में जानें। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखा। आप सरल कार्बन यौगिक मीथेन की संरचना भी यहाँ देख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम कितनी चीजों का उपयोग करते हैं जिसमें कार्बन होता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक देखे गए हैं। एक, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कैटनेशन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक, द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखला का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः ये स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। दो, चूंकि कार्बन की संयोजकता चार होती है, अतः इसमें कार्बन के चार अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुः संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा ये समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कार्बन में आबंधन और उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति बॉन्डिंग इन कार्बन एंड इट्स वर्सटैलिटी के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे।